यूं है कि नहीं भाई के बेटे की सब छोटे बेटे की सालगिरह उधर जाना है, मेरे पास कपड़ा कोई नहीं पहनने को, मेरे साथ हसन मियाँ आए हुए हैं और हसन मियाँ लवारगंज पे खरीदते हैं इंशाल्लाह ताला। और आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को कल का ब्लॉग पसंद आएगा, के जी आपने बने देख लिए होंगे, क्यों हसन मियाँ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और शाम बखैर। ऑटोमेटिक लिफ्ट के अंदर हम लोग ना पैदल चल के जाना पड़ रहा है। किधर गया हसन मियाँ, पता नहीं हसन मियाँ किधर पीछे रह गए। देख रहे हैं ये साइज का कितना फर्क है, उसका साइज कहाँ था उसका साइज कहाँ है, ठीक है ना, ये वाला साइज बनता है। ओके करें, फाइनल है, मजे नहीं करते हमारा। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हसन मियां ने ये वॉलेट लिया है और मैंने ये लिया है शलवार कमीज। वो आगे जा रहे हैं हसन साहब और अब हम लोग चलेंगे कहाँ। हसन साहब घर मुझे आपने रास्ते में उतारना है, मुझे आपने पता किधर उतारना है, मुझे आपने सलोन पर उतारना है, मैंने खत करवाना है, खत करवा के आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। मोबाइल मैं दे दूँगा हसन मियां को, वो घर पर पकड़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ पे है, वॉशरूम वॉशरूम बी वेरी केयरफुल जब आप शॉपिंग करें, बिल लाजमी चेक करें। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक वो प्राइस कुछ थी हमारी कुर्ते की और जब हम लोग घर जाके हमने बिल देखा तो प्राइस उसकी डबल निकली। आज भी हमारे साथ वही हुआ कि हमने एक चीज़ पिक की उसकी प्राइस कुछ थी, जब यहाँ पे आके प्राइस चेक की तो फिर प्राइस डिफरेंट निकल आई, बैक एंड से भी प्राइस चेंज हो गया। तो ये कोई तरीकेकार नहीं है, काइंडली जब भी आएँ बिल चेक करें, प्राइस चेक करें। नहीं बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हसन में आप जा रहे हैं, आप जहाँ कहाँ आने, मुझे तो बता दें यार। फैमिली आई है पिकनिक के लिए, ये बाल्टन पार्क में तो। समझ रहे हो, असल में ना मैं जो हम लोग पिकनिक पे गए थे ना तो भाई लोगों को पसंद आ गई जगह, अब भाई की पूरी फैमिली और भाई लोग सब लोग उधर इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा जी बहुत ज़्यादा लेट हो गए, शलवार कमीज शलवार तो मेरी इस्त्री हो गई, कमीज मेरी इस्त्री हो रही है इंशाल्लाह। बस मैं जी अब काका साहब के शूज बड़े फिट हैं, खैर मैं बस जाकर खत कराने लगा, खत करवा कर काका साहब के कपड़े ही चेक करें। अब आपकी मेहरबानी काइंडली मैं खत करवाने जा रहा हूँ, खत करवा गया तो फिर उसके बाद आपके आके नहा कर तो फिर उसके बाद निकलना है ससुराल जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 7 तो घर भी बज गए। One eternity later. अल्हम्दुलिल्लाह जी भाईजान तैयार होकर और बेगम साहबा मैं और काका साहब चल पड़े हैं जी अली भाई के सबसे छोटे बेटे की है सालगिरह, तो उन्होंने किया हुआ है हमें इनवाइट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये है कि जी बस अब रास्ते में इंशाल्लाह ताला चलते हैं, चलकर वहाँ पर इंशाल्लाह ताला जो भी इंजॉय होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे और केक शेक खाएंगे, पार्टी मनाएंगे। तो टॉय नहीं अभी तक लिया हमने उसको, बच्चे को जो गिफ्ट करना है तो बस वो टॉय भी रस्ते में से पिक करना पड़ेगा। भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया, बड़े अच्छे भाई हैं हसन भाई, इन्होंने हमें फेवर किया, इन्होंने कहा ठीक है जी आप टॉय खरीद लें जी। ये एक चेयर होती है बेबी चेयर, ये हमने लिया, बड़ी प्यारे कलर की चेयर है, ये वहाँ चल के आपको खोल के फाइनली दिखाएंगे क्या चीज़ है, यहाँ पे तो बहुत प्यारी ली है। अल्लाह हाफिज़ जी, पार्टी टाइम।
काका साहब को जी उसकी बड़ी छोटी मुमानी ने गिफ्ट दिया जी। इसको ओपन करें, ओपन करते हैं जी, चले आए जी। गाड़ी गाड़ी हाँ दूरबीन लग रही है, नहीं आपके आपकी बात ज़्यादा मुझे भी लग रही है, गाड़ी लग रही है मुझे गाड़ी, क्योंकि अब ये उसका ये ऊपर का हिस्सा नजर आ गया। कैसे आपने थैंक यू बोलना मम्मी मम्मी को थैंक यू टाटा। सालगिरह से होकर अब ये घर वापस जा रहे हैं, तो हसन मियाँ माँ जी हसन मियाँ की तरफ थी, चले जी अल्लाह। ओके जी निकल गए बाहर, निकल 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 निकल। One hour later. लो जी अली भाई सन छन घर आए सन, अली भाई अपने घर चले ने। अली भाई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई दा। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपको एक बार फिर बेटी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला करे। हाँ उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा पिछले व्लॉग्स की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा, अल्लाह का शुक्र है घर पे आ गए थे, चेंज कर लिया, अब आपके भाई का सोने का रहता, थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, केजीज फाइनल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह आपको केजीज फाइनल तैयार हुए, उनकी फाइनल कंडीशन भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ और उम्मीद करते हैं आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बशर्ते जिंदगी का लाजमी मुलाकात होगी किसी नए जगह पर, किसी नए मुकाम पर, किसी नए काम के सिलसिले में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, तो वतन हदीयतन गीतन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ और रात बखैर।